शासकीय आदर्श रामानुज विद्यालय के इस प्रांगण में, जहां हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को गर्व और सम्मान के साथ परेड का आयोजन किया जाता है। यहां की प्रत्येक गतिविधि अपने आप में एक प्रेरणा है। इस परेड में हमारे स्कूल के साथ साथ अन्य विद्यालयों और पुलिस दल की टोलियां साहस अनुशासन के साथ शामिल होंगी। यह सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और एक सकारात्मक संदेश है, जो हम अपने समाज में फैलाते हैं। इसकी तैयारी में हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता, धैर्य हमें इन चुनौतियों से उबरने की शक्ति देता है। आज स्काउट और एनसीसी के नए सत्र का पहला दिन है। युवा छात्रों के चेहरे पर उत्साह और जोश साफ दिखाई दे रहा है। यह वह दिन है जब ये नव युवक अपने भीतर अनुशासन और समर्पण की नींव रखेंगे। परेड की प्रारंभिक ड्रिल में कई नई बातों का अभ्यास किया जाता है। कुछ ने अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया है, हर आदेश का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया है। उनकी चाल और कदम ताल में एक अनोखा तालमेल दिखाई दिया, जो उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन को प्रकट करता है। यह दिन यूं ही गतिमान रहेंगे और यह तैयारी सतत चलती रहेगी। आइए तब तक आपको अवगत कराते हैं कि वास्तव में एनसीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट कोर और स्काउट ना भारतीय स्काउट का अभिप्राय क्या है। स्काउट एक युवा आंदोलन जो बच्चों को और युवाओं को मानसिक, नैतिक और शारीरिक रूप से विकास करने में मदद करता है। स्काउट की स्थापना 1960 में रॉबर्ट बेडेन पॉवेल ने की थी। भारत में स्काउट की शुरुआत 1909 में हुई थी और इसे भारत स्काउट और गाइड के नाम से भी जाना जाता है। स्काउट का उद्देश्य युवा लोगों को जिम्मेदार बनाना, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, समुदाय सेवा और नैतिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। स्काउट की गतिविधियां, शिविर, ट्रैकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियां, समुदाय सेवा परियोजना, कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कि फर्स्ट एड, खाना पकाना और हस्तकला। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी भारत का सबसे बड़ा वर्दधारी युवा संगठन है, जो विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा की भावना प्रदान करता है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में उपस्थित है। एनसीसी के उद्देश्य यह हैं, युवा और लोगों को अनुशासन और देशभक्ति की भावना में जागृत करना, नेतृत्व और चरित्र निर्माण के लिए उन्हें तैयार करना। एनसीसी की गतिविधियां यह है कि परेड, ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। अब इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान 10 दिन बिता लिए हैं। इस दौरान इन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी, अपनी गलतियों को पहचाना और उन पर काम किया। इस बीच हमने कई अच्छे और मेहनती स्काउट और कैडेट्स को देखा और वहीं दूसरी ओर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते और काम चोरी करते हुए चेहरों को भी देखा। पर कई अच्छे और ईमानदार चेहरों में से एक है राहुल। मेरा नाम राहुल पुरे है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मेरा विषय आर्ट्स है।
मैं जिस स्कूल पढ़ता हूँ उसका नाम शासकीय आदर्श रामानुज माध्यमिक विद्यालय है। देखिए स्काउट में स्काउट एक दल होता है जिसमें कई कैडेट रहते हैं और एक कमांडर रहता है और तीन जो रहते हैं रिजर्व भी रहते हैं। इसमें जब हम परेड करते हैं तो जो हमारे कैडेट रहते हैं उसमें कुछ कैडेट ऐसे रहते हैं जिनका बिगड़ जाता है, पर बात यह होता है कि वो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते हैं। सबसे पहले इनमें अनुशासन में सिखाया जाता है कि आप कुछ भी गलती करें उसको सबसे पहले स्वीकार करें। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस गलती कोई मतलब नहीं है। क्या करते हैं जो हमारे कैडेट हैं वो मैं गलती किया तो दूसरे पे नाम लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। आप गलती की हो तो आप बता दीजिए, आपको सुधारने का मौका मिला जाएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आपको बार बार बताया जाएगा, आप सुधारेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती ना करें। परंतु अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं परेड फाइनल होने में। आज इन्हें अपनी वर्दी देने का दिन है। यहाँ स्काउट्स अपने विद्यालय के पीटीआई और स्काउट इंचार्ज श्री विमल कुमार और स्काउट सहयोगी सुमेश द्विवेदी सर बच्चों को ड्रेस वितरण कर रहे हैं। बच्चे काफी उत्साहित हो रहे हैं अपनी वर्दी को देखकर। सभी ने एक एक कर अपनी स्काउट की वर्दी ले ली और उसमें लगने वाली अन्य चीजों को लेकर अपनी जगह को पुख्ता कर लिया। वहीं दूसरी ओर एनसीसी तैयार नजर आ रही है। सुनिए एनसीसी सीएचएम द्वारा। श्री शंकर राजवाड़ी भैया, उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया। जब मैं पहली बार यहाँ आया परेड करने के लिए तो बहुत चक्कर खाकर गिरा, फिर धीरे धीरे अपने आप को सुधारा और खड़े रहने का कोशिश किया। फिर रैंक परेड चल रहा था, फिर मैं धीरे से सबसे अंत में गया। मैं सोचा कि सब धीरे बोलते हैं तो इन लोग को नंबर मिलेगा और मैं कस के बोलूंगा तो नहीं मिलेगा। फिर विनय भैया बोले तू कस के बोल, मैंने कसकर बोला। फिर मुझे सीसीएम रैंक मिला और मैं इतना नहीं सोचा था कि मिल जाएगा, पर मिल गया। चैम मेरा प्रैक्टिकल तो अच्छा है, बस थोड़ा सा चीप नहीं हो पाता। ऐसी तो फिर आप ना बता रहा। मेरे से भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े आए थे, उन लोग को नहीं मिल पाया। हमने ने अच्छा किया तो मैं कोई छोटा होते बोलता है कितना सा अंदर में लगता है। जब मतलब कि अपने से कुछ भी मिलता है ना तो कुछ भी बोलने पर अच्छा ही लगता है। वह दिन आया जब परेड का प्रारंभ हुआ। कांसों की गूंज में मैदान भरो, कदमों में ताल अनुशासन का आलम, सावधान विश्राम हर आदेश का पालन, मध्य से सच हर दिशा में प्रतिध्वनि। फिर आया वह क्षण जब दी गई जनरल सल्यूट की वाणी। एसपी सूरज सिंह परिहार के आगमन पर गूंज उठी। सल्यूट में सबकी नजर राष्ट्रीय ध्वज की ओर झुकी। ध्वज को सलामी गर्व से हर कदम भरा, अधिकारियों ने किया सम्मान, दिल से जुड़ा। फिर लौट सभी अपने स्थान, आदेशों का पालन। एसपी के बाद कलेक्टर कोरिया चंदन संजय त्रिपाठी का आगमन। दसों प्लाटून निकटतम लाइन पर खड़े, दाहिने मुड़ के साथ कमांडर भी अपने प्लाटून के आगे सजे। सामने खड़े हो आदेश की करें प्रतीक्षा। बाएं से तेज के साथ दसों के दस प्लाटून, हाथों से हाथ कंधों से कंधा मिलाया वह एकता का संगम परेड के ताल में जुड़ जाए। तेज चाल से कदमों का तालमेल, एक दूसरे से मिलते हुए हृदयों का मेल। मंच पर पहुंचते ही सम्मान दिया गया मुख्य अतिथियों और राष्ट्रीय ध्वज को। वह गर्व का पल जब समर्पण का आदेश परेड के माध्यम से व्यक्त हुआ। हर कदम हर सलाम में देश प्रेम की भावना सजीव हो उठी। हमारे जवानों के कदमों की गूंज और उनका जज्बा पूरी दर्शक दीर्घा को हिला रहा है। पहले महिला पुलिस बल की अनुशासन और ताकत को महसूस कीजिए, इसके बाद एक और पुलिस टुकड़ी की सुसंगठित परेड का आनंद लीजिए। फिर एनसीसी के सीनियर कैडेट्स की शानदार प्रस्तुति देखकर प्रफुल्लित हो लीजिए।
इसके बाद एनसीसी जूनियर कैडेट्स सार्जेंट के नेतृत्व में हिम्मत और उत्साह का अवलोकन कर लीजिए। कन्याशाला की टोली अनुशासन और एकजुटता का अनुभव कर बोली। फिर आता है वो क्षण जब स्काउट के वीर स्काउट दल के अद्वितीय साहस और परफॉर्मेंस को सराहें। कंधों से कंधा कदमों से कदम मिलकर चले ये बाहें। तत्पश्चात जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की अनुशासन और समर्पण से प्रभावित होंगे और यूं ही अंत में स्वामी आत्मानंद की टोली भव्यता और प्रेरणा का आनंद लेकर इस परेड को समापन की ओर लेकर चल रही है। आज इन जवानों ने मानो सिद्ध ही कर दिया कि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम ऐसे चलते हैं तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। परेड पर कंधों से कंधे और कदमों से कदम मिलाने के बाद अब अवसर ठहर कर मुख्य अतिथि के वचनों को सुनने का। फिर प्लाटून कमांडर अलग हो चुके। इस प्रकार परेड का समापन हुआ जिसमें सभी जवानों ने अपनी मेहनत का प्रदर्शन किया। आपने एनसीसी के वीरों को तो देख ही लिया। अब हम एक पूर्व एनसीसी सीनियर जो रामानुज विद्यालय के ही छात्र रहे हैं और एनसीसी में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, मिलते हैं उनसे। उनका परिचय स्वयं वे खुद देंगे। स्वागत करिए राहुल जी का। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर राहुल चौहान, आरजीपीजी कॉलेज अंबिकापुर। अभी मेरा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम पूरा हुआ है और मेरा उसमें ग्रेडिंग बी ग्रेडिंग है। आरजीपीजी कॉलेज अंबिकापुर से अभी तैयारी भी चल रहा है 15 अगस्त का। बैकुंठपुर के रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मैं एनसीसी कर चुका हूँ 9th-10th में। स्कूल में जो है कि जूनियर डिवीजन होता है जो स्कूली बच्चे करते हैं, कॉलेज का है सीनियर विंग का होता है, इसमें आर्मी से सीनियर विंग के कैडेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल का 5 नंबर मिलता है ए सर्टिफिकेट का और जो कॉलेज में होता है बी और सी सर्टिफिकेट का, उसमें आर्मी में उनको 25 नंबर मिलेगा अग्निवीर के लिए। अभी 4 साल का अभी कर दिया गया है, इसमें रिटर्न एग्जाम में उनको 25 नंबर का मार्क मिलेगा। तो ये तो थी जूनियर अंडर ऑफिसर राहुल चौहान की बातें जिनमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक नए दिन के साथ आज वह आजादी का दिन है, आज फिर सभी स्वतंत्र महसूस करेंगे। स्काउट और एनसीसी के साथ सभी प्लाटून के जवान अपने ड्रेसअप की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। आइए तब तक सुनते हैं कि स्काउट इंचार्ज और विद्यालय पीटीआई श्री विमल कुमार जी का क्या कहना है। अब देखो बच्चे तो काफी मेहनत किए हुए हैं, इसमें से हमारे जो मोस्ट सीनियर स्काउट है राहुल, वो भी काफी लगे हुए हैं, काफी जितोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो भी काफी मेहनत किए हुए हैं और कंपटीशन काफी टफ लग रहा है। काफी टीचर्स का सहयोग हमको मिलता आया है इस परेड में। सोमेश द्विवेदी जी का भी काफी योगदान रहा है इस बार, बल्कि पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था और उन्होंने भी काफी अच्छा मेहनत किया है बच्चों के पीछे। उसी ओर अगली कड़ी में परेड चालू होने में अभी वक्त नजर आ रहा है, तो फिर तब तक एनसीसी हेड इंचार्ज की बातें सुनते हैं। सुनते हैं श्री संजीव कुमार जायसवाल के मुखागत। मैं फर्स्ट ऑफिसर संजीव कुमार जायसवाल, एनसीसी अधिकारी, गवर्नमेंट मॉडल रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर। यहाँ एनसीसी बहुत समय से संचालित है और यहाँ पर हमेशा जो कैडेट्स रहे हैं बड़े अनुशासित रहे हैं और उन्होंने न केवल अपने बैकुंठपुर बल्कि राज्य में भी इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। एनसीसी में मुख्यतः हम कैडेट्स को बेसिक चीजें सिखाते हैं जो कि आर्मी में होती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो एक कैडेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो उसके जीवन भर काम आता है। यदि इस बेसिक चीज को वह जीवन भर पालन करता है तो निश्चित रूप से वो देश का एक योग्य नागरिक बनता है और आगे चल के वो आर्म्ड फोर्सेस में भी उसको बहुत सहायता मिलती है। मैं यहाँ पर 22 फरवरी 2002 से
एक केयर टेकर के रूप में था और 16 अक्टूबर 2004 को मेरी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामती महाराष्ट्र में हुई और मैं एनसीसी ऑफिसर बना। एनसीसी का संचालन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है, हर समय मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे कैडेट बड़े अनुशासित हैं और ना केवल यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड बल्कि बटालियन में इंटर बटालियन ड्रिल कॉम्पिटिशन में भी हमारे कैडेट हमेशा फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, शील्ड और मानपत्र उनको मिलता है और बैकुंठपुर के एनसीसी ट्रुप का नाम सभी जगह प्रसिद्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी 20 साल की नई भर्ती हुई है और हम उसको उसी प्रकार के ट्रेनिंग देने में सक्षम होंगे, सफल होंगे और हमारे कैडेट जब इस विद्यालय से बाहर भी निकलेंगे तो वो एकता और अनुशासन के मंत्र को नहीं भूलेंगे। अब तक परेड के सभी जवान और सभी कमांडर अपने प्लाटून को लेकर मैदान में तैनात हो चुके हैं। अब यहाँ से परेड प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम एसपी सूरज सिंह परिहार जी का आगमन हुआ, जिन्हें पूर्ण परेड ने सलामी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका सिंहदेव जी और कलेक्टर महोदया श्रीमती संजय चंदन त्रिपाठी जी का आगमन। झंडे को फहराया गया, गुब्बारे और कबूतरों को स्वतंत्र आसमान में आजाद किया गया। परेड निरीक्षक के लिए परेड कमांडर नितिश आर नायर ने अपने सदे हुए कदमों के साथ मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया। मुख्य अतिथि और एसपी जी ने सभी अधिकारियों को वंदन अभिनंदन किया और पूर्ण परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर ने परेड को प्रारंभ करने की अनुमति लेकर वापस अपनी जगह ली और दाहिने मुड़ के कासन के साथ सभी परेड कमांडर अपनी अपनी टुकड़ियों के सामने तैनात और बाएं से तेज के कासन के साथ परेड पूरी एकता के साथ आगे बढ़ी। प्रतीक चीर परिचित अंदाज में
अब बारी थी परिणाम की, जिसमें सभी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, चाहे वह एनसीसी के कैडेट हो या फिर स्काउट्स, दोनों ही काफी उत्साहित थे पर बहुत घबराहट थी। इसी बीच आवाज आई कि तृतीय स्थान जवाहर नवोदय विद्यालय ने हासिल किया है। स्काउट और एनसीसी के कैडेट्स दोनों अड़े हुए थे। आवाज आई कि द्वितीय स्थान एनसीसी जूनियर सार्जेंट आकाश सिंह ने हासिल किया है। सबसे ज्यादा चटक परेड, सभी काफी खुश थे। द्वितीय स्थान एनसीसी जूनियर, अब होड़ थी एनसीसी सीनियर और स्काउट के बीच। परंतु किस्मत का कुछ खेल ऐसा चला कि एनसीसी सीनियर ने एक बार फिर से प्रथम स्थान को हासिल किया और स्काउट की आंखों को नम किया। एनसीसी के कैडेट्स जश्न मना रहे थे, इधर स्काउट के छात्र अपने चेहरे को छुपा रहे थे। कुछ कदम थे जो खुशी से उत्साह से अपने घर लौटेंगे, कुछ कदम दूसरों को बताने में झिझकेंगे। किस्मत का ही खेल है, मेहनत तो दोनों ने ही बराबर की थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। इन्हें इस चीज को स्वीकार करना होगा। मायूस चेहरे चारों ओर नजर आ रहे, खुशी का परचम चारों ओर नजर आ रहा। आसमान एक ही था पर लेकिन विचार और भाव भाव अलग अलग थे। कोई खुश था तो कोई दुखी, कोई जश्न में था तो कोई दुखी। पर फिर दौड़ेंगे किसी रोज, किसी नई बार, कभी ना कभी अफल दर्शी को पाएंगे, क्योंकि ये सभी तो स्वतंत्र हैं।